हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल टेस्टी वेज रेसिपी में स्वागत है। आज हम और एक मिठाई की रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है बादाम की बर्फी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप एक बार ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई कीजिएगा ज़रूर, तो आप बाज़ार की बर्फी खाना भूल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने एक कप बादाम लिया है जिसे मैं गर्म पानी में भिगो दूंगी लगभग एक घंटे के लिए। आप चाहें तो आप रात में भी भिगोने के लिए रख सकते हैं, तो सुबह तक हमारा जो बादाम है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। पर हमें भिगाना क्यों है? हम डायरेक्ट बादाम को पीस नहीं सकते? पीस सकते हैं, क्यों नहीं। जैसे कि हम सबको पता है जो बादाम है वो काफ़ी गर्म होता है, तो इसीलिए हम इसे जब पानी में भिगोते हैं तो ये इजी हो जाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को। देखिए अब हमारे बादाम भीग चुके हैं, जस्ट मैं स्लाइड कर रही हूँ उसके ऊपर और उसके छिलका ऐसे ही निकल आ रहा है। तो इसी तरह उप्स एक गिर गया, कोई बात नहीं, उठा लेंगे। इसी तरह आप सब छील लीजिए और एक किचन टॉवल पे रख के इसे सुखा दीजिए ताकि ग्राइंड करते वक्त हमें पाउडर मिले और पेस्ट नहीं। देखिए अच्छी तरह से थोड़ा सूख चुका है। अब हम इसे डालेंगे ग्राइंडर के जार में और ढक्कन लगाकर इसे पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे 2 से 3 बार। आप एक चम्मच की सहायता से इसे मिला लेंगे मिश्रण को और फिर से कुछ सेकेंड्स के लिए ग्राइंड करेंगे। अब हमारा आलमंड का पाउडर बिल्कुल तैयार है। अब एक पैन में मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है, उसमें मैं डालूंगी 3/4 कप शक्कर या चीनी। इसे मिक्स करेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। अब हमारा शक्कर जो है वो डिसॉल्व हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारा मिक्सचर सिर्फ स्टिकी होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, यहाँ में कोई तार का बनाना नहीं है, लगभग आधा तार या चिकना हो जाना चाहिए बस हमारा जो शुगर सिरप है। यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही मैं डालूंगी मैं पिसा हुआ बादाम। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और कुछ सेकेंड्स पकाएंगे। देखिए हमारा मिश्रण बिल्कुल मशी हो गया है। जैसे ही और थोड़े सेकेंड्स होंगे हम देख पा रहे हैं कि ये अपना पैन छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बस इसके बाद हमें कुछ ही सेकेंड पकाना है। अगर हम ज़्यादा देर पका लेंगे तो हमारा जो बर्फी है बहुत हार्ड बन जाएगा, तो हमें ज़्यादा देर ज़रा भी नहीं पकाना है। अब गैस को बंद कर लीजिए और अब हम एक फ्लैट सरफेस को ग्रीस कर लेंगे, उसके ऊपर हम अपनी बर्फी डालेंगे। मैंने ट्राई किया चम्मच से करने का, पर आप ज़रा भी मत कीजिएगा, उसमें बहुत चिपक रहा है, हो भी नहीं रहा है। इसीलिए मैंने एक बोल का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया था। फिर उसको गार्निश करेंगे हम कटे हुए बादाम से। देखिए हमारी बर्फी तैयार है, इसे सेट होने के लिए रख देंगे। इसके जो एजेस है उसको कट कर लेंगे। अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, तो मैंने उस एजेस को खाना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे अच्छे से। आप चाहे तो इसे थाली में सेट कर सकते हैं या कोई भी कंटेनर में। देखिए मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ, हमारा जो बर्फी है वो ज़रा भी सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।